Amazon पर प्रोडक्ट्स की सेल्स हिस्ट्री, रैंकिंग, रेटिंग्स, रेवेन्यू, कीवर्ड जैसे इंपॉर्टेंट डेटा निकालना मैंने आपको काफी बार अलग अलग तरीके से सिखाया हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप एक सेलर का सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, जैसे कितने प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, कितने टाइप के सेल कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, FBA कर रहा है या नहीं, मतलब एवरीथिंग। जैसे आपकी पड़ोस वाली शर्मा आंटी जो आपके घर पर चील की नजर रखती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, एल्स फ्यूचर में आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेलर स्प्राइट स्टोर फ्रंट ट्रैकर। तो सबसे पहले आपको सेलर स्प्राइट में अपना साइन अप कर लेना है, अगर आपके पास वो टूल नहीं है, और अगर है तो लॉग इन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे टूल सेक्शन में आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा स्टोर फ्रंट ट्रैकर। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक स्टोर ऐड कर चुका हूँ जिसको हम आज यूज करेंगे फॉर एन एग्जांपल। और ये मैंने इसलिए ऑलरेडी ऐड कर लिया है क्योंकि जो स्टोर फ्रंट ट्रैकर है वो थोड़ा टाइम लेता है डेटा पॉपुलेट करने में, डिपेंडिंग अपॉन कि जिस स्टोर को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने बहुत ही हैवी स्टोर लिया है जिसमें 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं फॉर एनालिसिस, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही ऐड कर लिया है। यूजली इट टेक्स अराउंड 20 to 30 minutes, ठीक है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट से एक स्टोर को यहाँ पे ऐड करना है और उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे अमेजोन पे और लेट सपोज हम वेजिटेबल चॉपर बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है वेजिटेबल चॉपर। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इसी कैटेगरी में जो सिमिलर प्रोडक्ट है या जो मेरा कॉम्पिटिटर है अगर वो भी वेजिटेबल चॉपर बेच रहा है तो वो और क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, या वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके कौन से अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो मैं उनको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकता हूँ, मैं भी उन पे सेलिंग शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज ई कॉस्मर्स फूड चॉपर है, ये मुझे ठीक लग रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन हो चुकी है एंड अब हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे कि इस ई कॉस्मर्स फूड चॉपर का सेलर कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सोल्ड बाय रिलायबल टेक आ रहा है। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे जो सेलर का पेज है, अबाउट द सेलर, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके रिव्यूज वगैरह क्या है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ से सेलर आईडी निकालनी है। ठीक है, सेलर आईडी कैसे निकालनी है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जरा से भी मिस्टेक का स्कोप नहीं है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो फिर आपका स्टोर फ्रंट ट्रैकर काम नहीं करेगा। तो सेलर आईडी के लिए आप यूआरएल में जाएंगे और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सेलर लिखा हुआ है, सेलर इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू के आगे जितना भी ये नंबर है, एम्बर सेंड के आगे जो एंड का सिंबल है उससे पहले ये जो आपके डिजिट्स हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, दिस इज योर सेलर आईडी। तो रिलायबल टेक का जो सेलर आईडी है वो ये है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया है एंड तब हम जाएंगे वापस अपने सेलर स्प्राइट स्टोर फ्रंट पे। यहाँ पे जाके हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ऐड स्टोर फ्रंट। तो आप जैसे ही ऐड स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके का एक नया पॉपअप खुल गया। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस चेंज करेंगे, जिस भी मार्केट प्लेस में हम सेल कर रहे हैं, हम इंडिया का ट्रैक करने की ट्राई कर रहे हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा है सेलर आईडी, यहाँ पे वो सेलर आईडी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड सिंपली क्लिक ऑन ऐड स्टोर फ्रंट एंड इस तरीके का एक पॉपअप आएगा और जहाँ पे ये लिख के बताएगा कि अगर आपने स्टोर का लिंक या जो सेलर आईडी है वो सही डाला है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड आप इसको यस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिलायबल टेक हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट आप देखोगे यहाँ पे डेटा अभी तक पॉपुलेट नहीं हुआ है। तो डेटा इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने बताया डेटा को कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि बहुत बड़ा सेलर है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिससे आप लोग ये एनालिसिस समझ सके और कैसे अपने कॉम्पिटिटर का पूरा स्टोर ट्रैक करना है, क्या क्या चीजें देखनी है वो आप यहाँ पे देख पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ रही है स्टोर फ्रंट इन्फो। स्टोर फ्रंट इन्फो में क्या क्या आता है ध्यान से देखिए। पहले आता है हमारा जो भी स्टोर का ओनर है, जो सेलर है उसका नाम, उसके बाद उसकी रेटिंग्स, उसके बाद उसके जो जो रिव्यूज हैं वो कितने परसेंट पॉजिटिव हैं लास्ट 12 मंथ्स में, और उसकी सेलर आईडी। ठीक है, इसके बाद आते हैं टैग्स। आपके एनालिसिस में आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं जस्ट क्लिकिंग दिस, और इसमें आप नाम डाल सकते हैं। तो लेट सपोज
मैं कोई ऐसा स्टोर फ्रंट ट्रैक कर रहा हूँ जो होम एंड किचन में डील करता है, ठीक है। कल मैं हो सकता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड स्टोर्स को ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटी स्टोर फ्रंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं तो आप होम एंड किचन स्टोर फ्रंट लिख सकते हैं या चॉपर स्टोर फ्रंट लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किन प्रोडक्ट्स को या किन सेलर्स को ट्रैक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विद इन द पास्ट 7 days, 15 days, 30 days एंड 60 days। मतलब कितने नए प्रोडक्ट पिछले 7 दिनों में लॉन्च हुए हैं, तो आप रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 7 दिनों में एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, इसका मतलब जीरो, ठीक है। पिछले 15 दिनों में उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 30 दिनों में 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एंड 60 डेज में 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पिछले 7 दिनों में, 15 दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिन में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं लास्ट 15 डेज में रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो जैसे ही आप नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इन्होंने मल्टीपर्पज यूज के लिए ग्रोसरी कंटेनर लॉन्च किया है, इसकी बेस्ट सेलर रैंक 225 है, प्राइस इन्होंने 199 कोट किया है, नंबर ऑफ रेटिंग्स इनके 3000 आ चुके हैं, एवरेज रेटिंग 4.2 है, डेट जो लॉन्च की है ऑब्वियसली लास्ट 15 डेज है, 10 दिन के अंदर हुए हैं, आप नीचे देख सकते हैं, तो वो आ गया है, और फुलफिलमेंट बाय FBA, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे जब हम बाकी प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द स्टोर फ्रंट। वैसे ही आप अगर देखना चाहें तो लास्ट 30 डेज में 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे, मैं नए विंडो में खोल देता हूं, तो यहां पे आपको दिखेगा वो वाला प्रोडक्ट जो अभी हमने देखा था, मल्टीपल ग्रोसरी कंटेनर, और दूसरा इन्होंने लॉन्च किया मिनी सीलिंग मशीन, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट और पैकेट्स को सील करने में काम आता है उसको इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ ड्यूरेशन में इन्होंने या आपके कॉम्पिटिटर ने या जिस सेलर को आप ट्रैक कर रहे हैं उसने क्या क्या लॉन्च किया है। द नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज। न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या होता है, ये बताता है कि लास्ट 60 डेज में किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इस सेलर ने, जो कि रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो होम एंड किचन में इन्होंने 3 लॉन्च किए हैं, बैग वॉलेट्स एंड लगेज में 2 लॉन्च किए हैं, एंड ज्वेलरी में 1 लॉन्च किया है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इस स्टोर के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सेलर है ये कितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 400+ 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो ये सेलर बेच रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज डोमिनेंट सेलर कैटेगरीज। इसमें मतलब ये है कि टॉप 100 के अंदर इस सेलर के कितने प्रोडक्ट्स रैंक हो रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जैसे होम एंड किचन में 78 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 78 प्रोडक्ट्स रैंक हो रहे होंगे। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स 100 के नीचे है तो यहाँ पे जो नंबर शो होगा वो टोटल नंबर शो होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऐसे डरना नहीं है कि होम एंड किचन में 78 प्रोडक्ट्स इसी सेलर के हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनके पास टोटल उतने प्रोडक्ट्स ना हो जो 100 को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर दिखाता है ये टूल। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ सेलर, विच मींस कि सेलर कहाँ का है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन लोकेशन, यहाँ पे एनए है। नेक्स्ट इज एक्शंस। तो एक्शन में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक आता है एड नोट, अगर आप कुछ नोट बनाना चाहते हो स्टोर फ्रंट से रिलेटेड, इस सेलर से रिलेटेड, एंड दूसरा है पॉज ट्रैकिंग। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा काम हो चुका है, अब मैं फर्दर इस सेलर को ट्रैक नहीं करना चाहता, तो आप इसे यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डेटा, तो आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 400+। तो अगर आप इस नंबर पे क्लिक करोगे तो ये नंबर आपको उस सेलर के जितने भी 400+ प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही पेज पे दिखा देगा। तो वो सेलर क्या क्या बेच रहा है, पिजन का चॉपर बेच रहा है, बोल्ड फिट का शू बैग बेच रहा है, सफारी का स्मॉल बैकपैक बेच रहा है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो इस तरीके से ये 400 प्रोडक्ट आप एक ही पेज पे देख सकते हैं, ठीक है। आप पेज 2 पे जाइए, पेज 3 पे जाइए, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप एक सेलर के सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। बट हमें तो एनालिसिस करना है, हमें तो ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, उसकी सेलर रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, सेल्स वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड के आगे जो आपको ये न्यू विंडो खोलने का जो आइकन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करते ही उस पूरे स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पे कॉम्पिटिटर लुकअप रन हो जाएगा, ठीक है। सेलर स्प्रेड का अपना एक रिवर्स एसी लुकअप है, कॉम्पिटिटर लुकअप है, जो वो सभी प्रोडक्ट्स पे एक साथ रन कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब आ चुके हैं। तो आप रिजल्ट्स देखोगे तो आपको यहाँ पे 5000 से ज्यादा रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो 400 प्रोडक्ट्स हैं उनके वेरिएशंस भी हैं। तो इन टोटालिटी 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट ये स्टोर फ्रंट सेल कर रहा है, ठीक है। अगर आपको डेटा अगर रोज वाइज जो आ रहा है अगर बहुत अनइजीनेस हो रहा है इसको समझने में, तो आप यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करके भी इसको ग्रिड मोड में जैसे अमेजोन पे दिखता है वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रिफर, जब मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लिस्ट पसंद है, तो आई एम गोइंग बैक टू द लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें जैसे कॉपी ऑल लेसेंस का ऑप्शन आ रहा है, कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे फिल्टर चाहो तो फिल्टर वाइज भी आप सारे प्रोडक्ट को सॉर्ट कर सकते हो कि आपको सेल्स वाइज चाहिए, रेवेन्यू वाइज चाहिए, BSR वाइज चाहिए, तो इस तरीके से। एंड फर्दर मान लीजिए आपने सेल्स वाइज है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप देखोगे पहला जो प्रोडक्ट है विच इज पिजन हैंडी चॉपर, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद ऑलरेडी दो बैजेस हैं, आप यहाँ पे देखोगे दो चीजें, बेस्ट सेलर का बैच है एंड अमेजॉन चॉइस, दोनों बैच हैं इस प्रोडक्ट के पास, ठीक है। इसका नाम आ रहा है, एसिन आ रहा है, पेरेंट एसिन आ रहा है और ब्रांड आ रहा है, ठीक है। बीएसआर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी रैंक है 9th, एंड इसके बाद आप देखोगे लास्ट 30 डेज में, लास्ट 7 डेज में क्या क्या ग्रोथ हुई है इस प्रोडक्ट की। इसके बाद आप सेल्स ट्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा बड़ा है, यूनिक ग्रोथ सोल्ड की जो परसेंटेज है या यूनिट ग्रोथ कितनी है सोल्ड में, वो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं जो कि 28,000 से ज्यादा है। आप यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं, ओवरऑल ऑलमोस्ट 70 लाख के अराउंड उसका रेवेन्यू है। वेरिएशन देख सकते हैं, पर वेरिएशन पर सोल्ड रेवेन्यू कितना है, तो 2000 प्लस है, ठीक है। वेरिएशन काउंट कितने हैं इस प्रोडक्ट के, 4, किस प्राइस पे बिक रहा है विच इज 239। रेटिंग काउंट किस लेवल पे इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको टोटल नंबर दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। रेटिंग्स रेट कितना है, 3.9 की रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। FBA का ग्रॉस मार्जिन आपको दिख रहा है कि 14 रुपए है, 94%। किस तारीख से ये बिक रहा है, ये सेलर ये बेच रहा है ये प्रोडक्ट, वो डेट अवेलेबल है, 6 साल हो गए इस प्रोडक्ट को बिकते हुए। डिलीवरी का मेथड क्या है विच इज FBA, ठीक है। एंड राइट में जब हम जाएंगे तो इस तरीके के एक्शन आएंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट ये सेलर सेल कर रहा है वो पूरे 400 प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करके वो सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, देखेंगे कि ये बहुत कुछ सेल कर रहा है। एंड जब हम नीचे बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे देखेंगे कि, तो आप देखोगे 60 प्रोडक्ट पर पेज दिख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आगे भी पेजेस हैं तो आप इनको आप फर्दर चेकआउट कर सकते, ठीक है, ओके। लेकिन हम चलते हैं डेटा एनालिसिस पे, एंड फाइनली जो मैंने बोला था कि हम एक्शंस देखेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इस प्रोडक्ट का हम देख सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप खुल जाएगा जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। जैसे सेल्स ट्रेंड है तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्स ट्रेंड आपको मिल जाएगा, 2022 से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा 2024 तक, मंथ ओवर मंथ ये कितनी सेल कर रहा है, मंथ ओवर मंथ रेवेन्यू कितना है, एवरेज प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। इसके अलावा बीएसआर आपको पता चल रही है, प्राइस पता चल रहा है, रेटिंग्स पता चल रही है, रेटिंग रेट पता चल रहा है और कब से सेल हो रहा है, ये चीजें हमने बाहर भी देखी थी, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में है एंड ज्यादा बेटर तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पांचवें महीने में 2024 में इसकी सेल बहुत अचानक से बढ़ी है, हो सकता है कोई ट्रेंड चेंज हुआ हो या इन्होंने एड्स रन किए हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे होंगी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है विच इज गुड एक्चुअली, ठीक है। वेरिएंट की सेल्स ट्रेंड आप देख सकते हो कि वेरिएशंस कैसे बिक रहे हैं, तो आप वेरिएशंस भी देख सकते हैं मंथ ओवर मंथ कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख सकते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड ये बहुत अच्छा टूल है सेलर स्प्राइट का, इट्स काइंड ऑफ अ फ्री ऑल्टरनेटिव टू कीपा। अगर आपको इस पे सिर्फ इसी ऑल्टरनेटिव पे, कीपा का जो ऑल्टरनेटिव है इसी पे अगर आपको वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट्स, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कीपा बहुत अमेजिंग टूल रहा है, बहुत सालों तक उसने फ्री में डेटा दिया है लेकिन अब वो पेड हो चुका है, तो सेलर स्प्राइट उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जो एग्जैक्टली कीपा वाले फॉर्मेट में आपको डेटा दे रहा है। तो अगर आपको कीपा यूज करने की आदत है और आप कोई फ्री ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं तो सेलर स्प्राइट इज अ ग्रेट टूल एज अ ऑल्टरनेटिव फॉर कीपा। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का सब कुछ यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि बाय बॉक्स प्राइस कितना है, जो ग्रीन बार है ये बाय बॉक्स प्राइस बता रहा है, फिर हमारे प्राइस कितने ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, प्राइम का प्राइस क्या है वो ब्लू कलर में है, डिस्काउंट प्राइस क्या है वो इस तरीके से दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है, अगर मुझे 1 साल का देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और 1 साल का मुझे ये सारा चार्ट आ जाएगा, अगर ऑल टाइम देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल टाइम डेटा भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट इज रेटिंग वेलोसिटी। रेटिंग वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर मंथ में हमें कितनी रेटिंग्स मिली है डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ दैट मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस मंथ में हमारी रेटिंग इंक्रीज हुई है और रेटिंग रेट क्या है, तो आप यहां से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चीजें यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड सर्च ट्रेंड, कौन से कीवर्ड हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं विद टाइम। तो आप देखोगे विस्कर, विस्कर फॉर किचन, स्टील चॉपर, बटरफ्लाई चॉपर एंड गणेश चॉपर, ये दोनों ऑब्वियसली गणेश चॉपर एंड बटरफ्लाई चॉपर कॉम्पिटिटर हैं, बट ब्रांड नेम है, बट स्टिल हो सकता है एड्स के बेसिस पे या लोगों ने सर्च किया हो ये कीवर्ड और उन्हें पिजन का चॉपर समझ आया हो और फिर उन्होंने ये चीज परचेज करी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टोर फ्रंट के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ऐसे बहुत लंबा हो रहा है डेटा, आपको दिक्कत हो रही है कि मैं इतने सारे डेटा कैसे एनालाइज करूं वन बाय वन, और आप बहुत कंफर्टेबल हैं उसको एक्सेल में एनालाइज करने में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आएंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, मैंने जैसे बताया कि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अराउंड 1 to 5 मिनट्स, तो आप इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट के लिए लग गया है। तो मैं ऑलरेडी पहले ही मैंने जो रिपोर्ट है वो रन कर दी थी, सो दैट जब तक हम इस सेक्शन पे पहुंचे तो वो रिपोर्ट रन हो जाए,
और आप यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है और आप इस पे डाउनलोड टू एक्सेल पे क्लिक कर देंगे कि फाइल लोड हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी एक एक्सेल ओपन हो जाएगी। लास्ट 30 डेज का ये डेटा है पूरा, तो आप देखोगे बहुत सारा डेटा है। तो अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हैं तो आप एक्सेल में इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपके पास एसिन आ चुका है, एसक्यू आ चुका है, प्रोडक्ट ओवरव्यू, ब्रांड, ब्रांड लिंक, प्रोडक्ट टाइटल, यूआरएल, प्रोडक्ट इमेज, पेरेंट, मतलब सब कुछ आपका यहाँ पे आ चुका है। सेल्स आ चुका है, सेल्स ग्रोथ, एवरीथिंग, मतलब दिस एक्सेल हैज एवरीथिंग रिलेटेड टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दिस सेलर हैज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या डेटा और क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। एंड इस तरीके से आप किसी भी सेलर को ट्रैक कर सकते हैं, उसका पूरा स्टोर ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर का या किसी भी स्टोर को ट्रैक कर सकते हैं। सेलर स्प्राइट टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री है और कुछ पेड है। अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो 35% डिस्काउंट जरूर अवेल करें बाय यूजिंग कोड EMA30। अकाउंट बनाते वक्त EMA30 कोड यूज करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।